राजस्थान में एक बार फिर ईडी की एंट्री हो गई है। जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर एक बार फिर ईडी की राजस्थान में एंट्री हो गई है। जयपुर में सचिवालय पहुंची है ईडी की टीम। पीएचईडी घोटाला प्रकरण में ईडी की कार्रवाई जारी है। प्रदेश में 20 जगहों पर चल रही है ईडी की कार्रवाई। सुबोध अग्रवाल के घर पर भी पहुंची है ईडी। जल जीवन मिशन घोटाले प्रकरण में छापेमारी की जा रही है। पीएचईडी के ठेकेदारों दलालों पर भी छापेमारी की जा रही है और कुछ अधिकारियों के आवास पर भी छापेमारी चल रही है। बड़ा अपडेट इस वक्त का, जहां पर पीएचईडी घोटाला प्रकरण में ईडी एक बार फिर से राजस्थान में दस्तक दे चुकी है और कई जगहों पर कई ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई जारी है, सर्च ऑपरेशन जारी है। पीएचईडी के ठेकेदारों और दलालों पर भी छापेमारी की जा रही है। कुछ अधिकारियों के आवास पर भी छापेमारी चल रही है। एक बार फिर राजस्थान में ईडी की एंट्री, कई जगहों पर कई ठिकानों पर रेड किए ईडी के अफसर, तमाम जगहों पर फाइलों को सर्च कर रहे हैं। इस मामले में पहले भी आईएएस अफसर और जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल से पूछताछ करने की बात सामने आई थी और ईडी ने कुछ हफ्तों पहले भी इस मामले में इस प्रकरण से जुड़े हुए ठेकेदारों और अन्य लोगों से बातचीत करने की बात सामने आई थी। और अब ईडी की राजस्थान में लगातार कार्रवाई चल रही है और एक बार फिर से ईडी राजस्थान पहुंच चुकी है, जहां जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़ी अनियमितताओं की जांच कर रही है। ईडी के राजस्थान में लगातार एंट्री से अधिकारियों में जमकर हड़कंप मचा हुआ है और हजारों करोड़ों के घोटाले की जांच के लिए ईडी एक बार फिर राजस्थान पहुंच चुकी है। तो आपको बड़ा अपडेट दे रहे हैं इस वक्त का, जहां पर जल जीवन मिशन में अनियमितताओं की जांच करने के लिए एक बार फिर से ईडी की टीमें पहुंच चुकी हैं। दो फर्मों को 900 करोड़ रुपए के टेंडर जारी करने किए गए थे। जल जीवन मिशन में 20,000 करोड़ का घोटाला हुआ है और इसकी जांच करने के लिए ईडी प्रदेश में पहुंच चुकी है। दो फर्मों को 900 करोड़ रुपए के टेंडर जारी करने का आरोप है। जल जीवन मिशन में 20,000 करोड़ का घोटाला होने का आरोप लगाया भाजपा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने। योजना की 48 परियोजनाओं में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र का भी आरोप है। दो फर्मों को 900 करोड़ रुपए में टेंडर जारी करने का आरोप है। तो पीएचईडी घोटाला प्रकरण में ईडी 20 जगहों पर कार्रवाई कर रही है। सुबोध अग्रवाल के ठिकानों पर भी पहुंच चुकी है ईडी। जल जीवन मिशन घोटाले प्रकरण में छापेमारी लगातार चल रही है। योजना की 48 परियोजनाओं में 900 करोड़ रुपए के टेंडर जारी करने का आरोप लगा है। जल जीवन मिशन में 20,000 करोड़ का घोटाला होने की बात सामने आई है, जिसकी जांच कर रही है। ये आरोप लगाए थे बीजेपी सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने और अब ईडी इसकी जांच के लिए एक बार फिर से छापेमारी करने के लिए प्रदेश में एंट्री कर चुकी है। सचिवालय पहुंची है ईडी की टीम। राजस्थान में एक बार फिर से ईडी की एंट्री हो चुकी है, बड़ी कार्रवाई कर रही है। इस दौरान ईडी ने जयपुर में कई ठिकानों पर छापेमारी की है। सचिवालय पहुंची है तमाम अधिकारी ईडी के रडार पर है, जिनसे पूछताछ होगी। राजस्थान के जल जीवन मिशन में करोड़ों रुपए की अनियमितता होने का आरोप लगाया था बीजेपी के सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने। और यह आरोप लगाया था कि 20,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। फर्जी निविदा के जरिए, फर्जी प्रमाण पत्रों के जरिए सैकड़ों रुपए का घोटाला किया गया है और अब जल जीवन मिशन घोटाले की जांच करने के लिए ईडी राजस्थान पहुंच चुकी है। दो कंपनियों को टेंडर देने की एवज में 900 करोड़ का घोटाला होने के आरोप लगे हैं।
तमाम अधिकारी, आला अधिकारी और अफसर, ठेकेदार ईडी की रडार पर हैं, जिनके ठिकानों पर जांच की जाएगी, तमाम दस्तावेजों को खंगाला जाएगा और ईडी इन सभी से पूछताछ भी कर सकती है। तो बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको, फर्जी निविदा के जरिए करोड़ों रुपए के हेरफेर के मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय एक बार फिर से राजस्थान में है। पीएचईडी के ठेकेदारों और दलालों के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है, कुछ अधिकारियों के आवास पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, सचिवालय भी पहुंची है ईडी की टीम। दो फर्मों को 900 करोड़ रुपए में हेरा फेरी और लेन देन का मामला बताया जा रहा है। जल जीवन मिशन में 20,000 करोड़ की हेरा फेरी करने का आरोप लगा है। योजना की 48 परियोजनाओं में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र का भी आरोप है। दो फर्मों को 900 करोड़ रुपए के टेंडर जारी करने का आरोप है। तो बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको इस वक्त का, और तमाम अधिकारी, आईएएस अधिकारी और मंत्री भी हो सकते हैं ईडी की रडार पर। और आपको बता देते हैं अगला अपडेट ईडी की कार्रवाई से जुड़ा, जहां दौसा में एक व्यापारी के घर पहुंची है ईडी। नया कटला में चल रही है ईडी की कार्रवाई, जल जीवन मिशन को लेकर ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है और दौसा में एक व्यापारी के घर पहुंची है ईडी। ये व्यापारी प्रदेश के एक मंत्री का खास बताया जा रहा है। ईडी की कार्रवाई से आसपास के व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको, जहां दौसा में एक व्यापारी के घर पहुंची है ईडी। ये व्यापारी एक मंत्री का खास बताया जा रहा है। अब ईडी की कार्रवाई को लेकर आसपास के व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, जल जीवन मिशन में घोटाले और अनियमितताओं की जाँच करने के लिए ईडी ने एक बार फिर से प्रदेश में एंट्री मारी है। प्रदेश के 20 जगहों पर लगातार ईडी की रेड जारी है और अब दौसा के एक व्यापारी के यहाँ पहुंची है ईडी, जहां पर तमाम दस्तावेजों की जांच की जाएगी, उसके ठिकाने की जांच की जाएगी, सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। नया कटला में पहुंची है ईडी की टीम और ये व्यापारी प्रदेश के एक मंत्री का खास बताया जा रहा है। तो तमाम अधिकारी, व्यापारी, ठेकेदार और अफसर, जो भी लोग इसमें लिप्त है, जिनके ऊपर भी शंका जताई जा रही है या जिनके नाम पर संशय है, उन सभी के ठिकानों पर ईडी कार्रवाई करेगी। ईडी छापेमारी कर रही है और तमाम दस्तावेजों को जुटाया जाएगा। आपको बता दें, 20,000 करोड़ का घोटाला किए जाने का आरोप है। तो एक बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको, जहां ईडी में दौसा के एक व्यापारी के घर पहुंची है नया कटला में, अब ईडी की कार्रवाई चल रही है। जल जीवन मिशन को लेकर ईडी की यह कार्रवाई चल रही है और ये व्यापारी एक मंत्री का खास बताया जा रहा है और ईडी की रेड से तमाम व्यापारियों में हड़कंप मच गया है, तमाम अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। तो पूरे प्रदेश में कई जगहों पर ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। जल जीवन मिशन में राजस्थान के आईएएस सुबोध अग्रवाल के ठिकानों पर ईडी के छापे जारी हैं। आपको बता दें, एक बार फिर बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने 20,000 करोड़ घोटाले का आरोप लगाया था और किरोड़ी लाल मीणा ने इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। और राजस्थान में जल जीवन मिशन घोटाले के मामले में ईडी की टीम सचिवालय पहुंची है। तमाम अधिकारियों, ठेकेदारों और मंत्रियों पर मिलीभगत का आरोप है। तो आपको बता दें, एक बड़ा अपडेट राजस्थान में जल जीवन मिशन से जुड़े ठिकानों पर ईडी के छापे लगातार जारी हैं। बीस से 25 जगहों पर छापेमारी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक ईडी राजस्थान में जल जीवन परियोजना में कथित अनियमितताओं के संबंध में तलाशी ले रही है।
राजस्थान में एक बार फिर ईडी एक्शन में आ गई है। जल जीवन मिशन घोटाला मामले को लेकर सुबह से ईडी की टीमें राजस्थान की कई जगहों पर छापेमारी कर रही है और जल जीवन मिशन परियोजना में कथित अनियमितताओं के संबंध में तलाशी ले रही है। ये छापेमारी जयपुर सहित प्रदेश के कई इलाकों में की जा रही है और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता विष्णु आशीर्वाद जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। विष्णु, क्या कुछ अपडेट? देखो, आपको बताना चाहता हूँ कि ईडी की कार्रवाई आज दौसा में चल रही है। ईडी सुबह सात ईडी की टीम है जो सुबह 7 बजे एक व्यापारी के पहुंची है। दौसा के नया कटला में एक व्यापारी है जहाँ पर पहुंची है और वह राजस्थान एक मंत्री के शासन साथ बताया जा रहा है और इसी को लेकर जल जीवन मिशन लेकर ईडी की कार्रवाई की जा रही है। और ये जो मकान आप देख रहे हो, ये उसी मकान के अंदर ईडी की कार्रवाई जा रही है। ईडी की टीम आई है और ये जल जीवन मिशन में को लेकर जो ईडी की कार्रवाई की जा रही है। ईडी का जो ये वाकई है, जो ईडी जो जल जीवन मिशन में जो ठेकेदारी काम करता था और एक मंत्री से इनका बहुत खासन खास माने जा रहे हैं, इसको लेकर भ्रष्टाचार। जी विष्णु, इस व्यापारी के बारे में जानकारी दे, कौन है ये, क्या व्यापार करते हैं और किस तरह से इनका नाम जुड़ा हो सकता है इस जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर के? देखो, वैसे तो ये व्यापारी कपड़े की दुकान के शुरू में इनके राधिका जैसे नाम से है और इनका और ये जल जीवन मिशन में जो काम देखते थे और ठेकेदारी का काम करते थे और इनके एक मंत्री उनके जिनको सीधे शासन पास बताया जा रहा है, उनके इशारे पर ये ठेकेदारी की जाती थी और इसको लेकर ईडी को शिकायत मिली। तो ये शिकायत करने के चलते आज सुबह 7 बजे ईडी की टीम पहुंची है और आप देख रहे हो बिल्कुल गेट बंद है और अंदर ईडी की कार्रवाई जा रही है। जी, आसपास के व्यापारियों में भी हड़कंप मच गया होगा, किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं? देखो, सुबह से ही जब ईडी की टीम यहाँ पहुंची तो आसपास के व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। कई व्यापारी तो अभी दुकानें भी नहीं खोल पा रहे हैं क्योंकि उनके ईडी के चलते वो बिल्कुल मार्केट भी सुनसान पड़ा है। आप देख सकते हो रेल के अंदर भी दिक्कत कई व्यापारी है और बाकी दुकानें खुली नहीं पाई है और यह अंदर मकान का तस्वीर आपके सामने हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। जी, इसके अंदर ईडी की कार्रवाई जारी है और ईडी के जो अधिकारी और जो जवान आए वो अंदर। जी विष्णु, कहाँ पर है ये इनकी दुकान, इनका शोरूम बता रहे हैं आप, इनका साड़ियों का शोरूम है, किस तरह से इनका इन्वॉल्वमेंट है इसमें? देखो, ये दोपा कोतवाली के मेल 50 मीटर की दूरी पे ही है, नया कटला है जो रस्त मार्केट है, वहाँ पर इनके मकान है, आगे इनका दुकान है और इसके चलते ये बताया जा रहा है कि ये जल जीवन मिशन में ठेकेदारी का काम करते थे और इसी को लेकर आज सुबह 7 बजे ईडी की टीम यहाँ पहुंची है और लगातार तक जा रही है। जी, नाम क्या है विष्णु इस व्यापारी का? देखो, इसमें अभी नाम अभी सामने नहीं आया लेकिन राधिका ट्रेडर्स के नाम से है और इसी के नाम इनकी जो फर्म है जो राधिका ट्रेडर्स के नाम से और ये जल जीवन मिशन ठेकेदारी करते थे, इसको लेकर ईडी की जो कार्रवाई यहाँ जारी है। अभी 3-4 भाई हैं उनके लेकर अभी कोई खुलासा नहीं, कुछ क्राइटेरिया कार्रवाई की जा रही है लेकिन अभी तक जब तक ईडी बाहर आके कुछ पता नहीं पाएगी, कुछ जानकारी नहीं होगी जब तक कुछ साझा। जी, तो इनका ये जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है और इनका घर है, क्या एक ही स्थान पर है या अलग अलग इनके और ठिकानों पर भी ईडी कार्रवाई कर सकती है, क्या कुछ अपडेट इस बारे में? देखो, जो बात निकल के आई है आस पास के लोगों सब ने मालूम किया है, वो बता रहे हैं कि ये जल जीवन मिशन में ही ठेकेदारी का काम करते थे और इनके पास पूरे राजस्थान का काम था। इसको लेकर शिकायत ईडी को लगातार मिली है और इसको लेकर ये कार्रवाई की जा रही है और इनका खुद का भी बिजनेस है, कपड़ों का व्यापार भी है। अब और इसी को लेकर ये कार्रवाई की जा रही है, अभी तो कुछ खुलासा नहीं होगा जब तक इंसान बात नहीं कर लेते, तब तक कुछ ज्यादा पानी रहता किस बात को लेकर, लेकिन जल जीवन मिशन को लेकर बताया जा रहा है कि जल जीवन मिशन को लेकर ईडी की कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल विष्णु, आप इस पर नजर बना रखिए, फिर जुड़ेंगे आप सर, अपडेट लेंगे कौन है ये व्यापारी, किस मंत्री के खास बताए जा रहे हैं और किस तरह से ईडी जो है तमाम दस्तावेजों को खंगाल रही है। तो ये थे हमारे संवाददाता विष्णु आशीर्वाद जिन्होंने बताया कि दौसा में नया कटला में ये जो व्यक्ति है, जो व्यापारी है, ये अपना व्यापारिक प्रतिष्ठान चलाते हैं और इनके पास है पूरे राजस्थान का काम था और इनका कहीं ना कहीं जल जीवन मिशन में भी कुछ भूमिका थी जिसके चलते इनका नाम संदिग्धों में था और अब ईडी इनके प्रतिष्ठान और घर पे छापेमारी कर रही है और कार्रवाई की जा रही है और अब ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि किस तरह से इनका भी कुछ इन्वॉल्वमेंट था मनी लॉन्ड्रिंग में, अनियमितताओं में, जिस तरह में फर्जी टेंडर निकाले गए, जो आरोप लगा है, जो घोटाले की बात सामने आई है। तो अब ऐसी तमाम बातों पर, ऐसे तमाम बिंदुओं पर ईडी अपनी जांच कर रही है, प्रदेश में छापेमारी कर रही है।
फिलहाल इस व्यापारी का नाम सामने नहीं आया है और ये कौन से मंत्री का खास है इसका भी अब ईडी पता लगाने की कोशिश में जुट गई है।